स्पाइडर मैन 2 का सबसे पहला टीजर 4 महीने पहले आया था और फेब में ये सीरीज आने वाली थी, लेकिन फॉर अननोन रीजन सीरीज को डिले कर दिया गया और तब से ही लोग टकटकी लगाए इस सीरीज के ट्रेलर का वेट कर रहे हैं। फाइनली आज ये ट्रेलर आ चुका है और अब तक तो आपने ट्रेलर देख ही लिया होगा, लेकिन अगर आपने अभी भी ट्रेलर नहीं देखा है तो सबसे पहले तो ये ट्रेलर देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। लेकिन जिन लोगों ने ट्रेलर देख लिया है उनको हम आगे बताने वाले हैं कि ट्रेलर में क्या क्या ऐसी चीजें थी जो आपने नोटिस नहीं की, सीजन 2 से सीजन 1 किस तरीके से कनेक्ट होने वाला है और भी बहुत सारी मजेदार बातें जो इस ट्रेलर में हैं। तो दोस्तों मैं हूं सुबोध और शुरू करते हैं द फैमिली मैन 2 का ट्रेलर ब्रेकडाउन। सीरीज के सेकेंड सीजन का पूरा बिल्डअप और टीजर सिर्फ एक ही सवाल पर बेस्ड था कि श्रीकांत तिवारी कहाँ है। तो ट्रेलर में आपको सबसे पहले इसी सवाल का जवाब मिलता है और ट्रेलर के पहले ही सीन में श्रीकांत अपनी वाइफ सुचिता के साथ काउंसलिंग के लिए बैठे हुए हैं। इसके बाद हमें पता लगता है कि श्रीकांत टास्क यानी थ्रेट एनालिसिस एंड सर्विलेंस सेल को छोड़कर अब एक कॉरपोरेट एम्प्लॉय बन चुके हैं, लेकिन श्रीकांत अभी भी टास्क के अपने कलीग और फ्रेंड जेके के टच में बराबर बने हुए हैं। अगर आपको टीजर याद हो तो टीजर देखने के बाद अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि शायद श्रीकांत ने जेके को नहीं बल्कि जेके ने श्रीकांत को खोजा है और वो अभी भी उनसे कॉन्स्टेंटली बातें करते रहते हैं, टच में बने रहते हैं और वही शायद उन्हें वापस से टास्क में आने के लिए मोटिवेट भी कर रहे हैं, क्योंकि कॉल पर श्रीकांत उन्हें थोड़ा सा इरिटेट होकर जवाब दे रहे हैं कि भाई मैं जहां हूं अपनी कॉर्पोरेट नौकरी में वहां मैं पूरी तरह खुश हूं। अब अगर आप श्रीकांत को थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप ये जानते होंगे कि कॉर्पोरेट नौकरी में श्रीकांत कहां से खुश रहने वाला है, लेकिन शायद उसकी इस नई जॉब से उसकी फैमिली बहुत खुश है क्योंकि फाइनली श्रीकांत के पास नई कार भी आ गई है। अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सीजन 1 में जो कार थी उसके मुकाबले अब जो कार है वो डेफिनेटली अपग्रेडेड है। ट्रेलर में आपको सीन में कार की सीट्स वगैरह देख करके ये समझ आएगा कि भाई कार अपग्रेड हो चुकी है, नई आ गई है। मगर श्रीकांत नया घर तो अभी भी नहीं ले पाए हैं, जिसके लिए वो सीजन 1 में भी काफी स्ट्रगल कर रहे थे और अपने बॉस से उसके लिए होम लोन भी मांग रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने सीजन 1 का और सीजन 2 का दोनों ट्रेलर देख लिया है, सीजन 1 के कुछ एपिसोड्स भी देखकर दोनों को मैच करके ये देख लिया है कि भाई घर तो जो है वो सेम ही है, उसमें वही जाली वाली खिड़कियां हैं, किचन वही है और उनका डाइनिंग टेबल भी वहीं पर है। तो मतलब श्रीकांत के पास गाड़ी नहीं है लेकिन घर अभी भी वहीं पर है। इसके बाद ट्रेलर में एंट्री होती है श्रीकांत की एंटी यानी समंथा अकिनेनी की। समंथा इस ट्रेलर में ताबड़तोड़ एक्शन, जबरदस्त इंटेंसिटी और एक बहुत ही इंट्रीगिंग रोल के साथ तो नजर आ ही रही हैं, लेकिन उनके रोल में बहुत सारी लेयर्स हैं। ट्रेलर में आपने देखा होगा कि जेके जब श्रीकांत से फोन पर बात कर रहे हैं तो वो चेन्नई में एक ऑपरेशन भी लीड कर रहे हैं। समंथा का जो कैरेक्टर है राजी, उसका डेफिनेटली चेन्नई से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है, क्योंकि ट्रेलर आराम से देखने पर आपको समझ आता है कि राजी एक दूसरी आइडेंटिटी के साथ यहाँ इंडिया में रह रही हैं और उस आइडेंटिटी का खुलासा ट्रेलर आराम से देखने पर एक बड़ी छोटे से सीन में होता है। इस सीन में बोर्ड पर बलराज स्पिनिंग मिल्स नाम से एक एक्सपोर्ट कंपनी का एक आई कार्ड टंगा हुआ है। इस आई कार्ड को जब आप पढ़ते हैं तो इस पर नाम लिखा हुआ है राजलक्ष्मी शेखरन और इस पर चेन्नई का एड्रेस है, जो डेफिनेटली राजी की दूसरी आइडेंटिटी है। इस बार शो की कहानी सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान में ही नहीं सीमित रहने वाली बल्कि वो लंदन भी जाने वाली है और इसका प्रूफ है ट्रेलर में ये सीन जिसमें ISI के मेजर समीर के पीछे लंदन की आइकॉनिक डबल डेकर बसेस नजर आ रही हैं। इस सीन से जस्ट थोड़ा सा पहले ही आपको एक बहुत ही छोटे से फ्रेम में पिछली बार सीजन 1 में टेररिस्ट का कैरेक्टर प्ले करने वाले शहाब अली दिखेंगे। शहाब वो हैं जिन्होंने शो में साजिद का कैरेक्टर प्ले किया था। आपको याद होगा साजिद और मूसा सीजन 1 की एंडिंग में आपस में ही लड़ गए थे, दोनों टेररिस्ट थे। साजिद ने मूसा को मार डाला था और खुद भाग निकला था। तो इस बार शायद शहाब का कैरेक्टर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साजिद का कैरेक्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि सीजन 1 में साजिद ने ही काला घोड़ा के बाहर स्कूटर बॉम्ब रख के टेरर फैलाने का काम शुरू किया था। इस बार भी सीजन 2 के ट्रेलर में आपको एक छोटा सा शॉट नजर आएगा जहां पर शायद साजिद ही आपको एक बार फिर से ब्लास्ट करता हुआ दिखेगा, इसलिए डेफिनेटली ये कैरेक्टर कुछ ना कुछ तो खेल खेलने वाला है। सीजन 1 की एंडिंग में श्रेया धन्वंतरी और सनी हिंदुजा के कैरेक्टर्स जोया और मिलिन उस फैक्ट्री में फंस गए थे जहां से गैस लीक करके दिल्ली में बहुत सारे लोगों को मारने का प्लान था,
लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीजन वन की एंडिंग में ये दोनों खत्म हो गए थे क्योंकि आपको वहां पर गैस लीक होती हुई तो नजर आ ही गई थी, अगर आपको लग रहा है कि ये लोग खत्म हो गए थे सीजन वन में और बच नहीं पाए थे तो शायद आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि सीजन टू के ट्रेलर में कास्ट का जो नाम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां पर इन दोनों का भी नाम है। सीजन वन से श्रीकांत की बेटी धृति तो आपको याद ही होंगी, सीजन टू के ट्रेलर में भी वो भागते हुए दो सीन्स में अपने बॉयफ्रेंड के साथ नजर आ रही हैं। अब इसका मतलब ये है कि श्रीकांत की टेंशन थोड़ी और बढ़ने वाली है, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक क्लीशे आइडिया यहाँ पर लगाया गया हो और धृति का जो बॉयफ्रेंड है उसका कोई टेरर लिंक हो या फिर जेन्युइनली एक गलत आदमी हो जिससे डील करने के बाद श्रीकांत अपनी बेटी की नजर में हीरो बन जाए और फाइनली उसकी फैमिली के जो पंगे चल रहे हैं वहां भी वो एक सुपरमैन बन जाए। खैर ये सब तो हमारा गणित है, लेकिन जून 4 को जब फाइनली द फैमिली मैन सीजन 2 रिलीज होगा तब ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि हमारे इस प्रेडिक्शन में से कितनी सारी इक्वेशन वहां पर फिट हो रही हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, फिर से मिलेंगे द फैमिली मैन 2 के रिव्यू को लेकर। तब तक हमें फॉलो करते रहिए, इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, देसी मार्टिन को सब्सक्राइब करें।